हम गोभी बनाने लगे हैं। गोभी के फूल में से देखें, ये इतना ये निकला है। ठीक है, ये गोभी है। अभी इसकी कटिंग शुरू करने लगे हैं हम। इसके साथ ये आलू हैं, गोभी और आलू पकेंगे आज। दोस्तों ऑयल डल चुका है, ऑयल के साथ अब डलने लगा प्याज। प्याज को हल्का सा खुशबूदार रंग देने के बाद इसमें डलेगी गोभी। इसमें डले हैं टमाटर। टमाटर के साथ हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च डली है 1 से 1.5 चाय का चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, वैसे 2 चाय के चम्मच। लहसुन अदरक और हरी मिर्च इकट्ठी, इन सबको हम मिक्स कर रहे हैं। अब डाल दी हमने इसके अंदर गोभी गोभी आलू। अब इस सबको हम मिक्स करेंगे। जी गोभी हमारी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। ये हमने डाला है इसके अंदर सूखा धनिया, एक काली मिर्च का पाउडर, धनिया और जीरा। ये सब चीज़ें हैं खुशबू और अच्छे जायके के लिए। अब हम इसको करेंगे मिक्स। दोस्तों हमारी गोभी मुकम्मल तौर पे बन के तैयार हो चुकी है। अभी मैं इसे खाने लगा हूँ गोभी को। इसके साथ है दही, इस पर ग्रीन रंग की चटनी डाली हुई है। दोस्तों ये जौन सी है ना, ये ग्रीन रंग की चटनी है, ये हल्का सा धनिया डला हुआ है। इसके साथ ये तंदूर की रोटी है।